हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका विद तड़का। तो आप सबका मैं वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पर। और आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्ट्रीट स्टाइल एग भुर्जी। बहुत ही शौक से खाई जाती है, अक्सर घर में ना खा कर भी जानबूझ के कई बार हम जाते हैं स्ट्रीट फूड में अंडे की भुर्जी खाने के लिए, क्योंकि उनका स्वाद ही एक अलग ही लेवल का होता है। क्यों ना आज उसी स्टाइल में अंडे की भुर्जी घर पर बनाई जाए, ताकि आप लोग भी देख सके कि किस तरीके से मैं स्ट्रीट स्टाइल एग भुर्जी जो ढाबे वगैरह पे आप खाते हैं, स्ट्रीट में खाते हैं, वो घर में आप कितनी आसानी से बना सकते हैं खुद से भी, कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। तो अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है सबसे पहले 1 टेबलस्पून बटर। आप चाहे तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं या दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अकेले ऑल अलोन बटर यूज कर रही हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे ऐड करूंगी 1 चम्मच जीरा। जीरे के चटकते ही यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी 1 बड़े साइज का मैंने अनियन लिया था, जिसे मैंने रफली डाइस कर लिया है। ये अनियन यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, तो थोड़ा सा हम चला लेंगे बटर में। इसी के साथ यहाँ पर जाएगा 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहे तो जिंजर और गार्लिक को छोटा डाइस करके भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ ऐड कर दूंगी 2 हरे मिर्च, इन सबको हम यहाँ चला लेंगे। प्याज को यहाँ पर हम थोड़ी देर हल्का गोल्डन ब्राउन होने देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पर मैं प्याज को और जिंजर गार्लिक पेस्ट को भूनने के लिए रख दूंगी। प्याज यहाँ पर भून चुका है 3 से 4 मिनट में, हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो यहाँ पर अब मैं ऐड कर दूंगी 2 मीडियम साइज टमाटर, जिन्हें मैंने फाइनली डाइस कर लिया है, इनको यहाँ हम ऐड कर देंगे। और इसी के साथ ऐड कर दूंगी मैं यहाँ पर सूखे मसाले, जिसमें मैं यहाँ ऐड करूंगी नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जो कि बहुत ही प्यारा रंग देती है। इन सबको हम यहाँ चला लेंगे। और अब यहाँ मसाला भूनने के लिए मैं 2 से 3 मिनट के लिए लिड कवर करके मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और मसाले सारे भून जाए। इसे 4 मिनट हो चुके हैं, तब हम लिड हटाकर देख लेते हैं। ये देखिए मसाला काफी हद तक भून चुका है, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। बाकी आप इन्हें इस तरीके से प्रेस करके भी दबा सकते हैं, अच्छे से चेक कर सकते हैं कि सॉफ्ट हो गए कि नहीं। टमाटर यहाँ बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और इस टाइम पर अब मैं यहाँ पर डाल दूंगी 1 चम्मच कसूरी मेथी, साथ ही मैं 1/2 चम्मच लगभग यहाँ पर डालूंगी, स्प्रिंकल करूंगी चाट मसाला। इन सबको हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे अच्छे से। और इसी पॉइंट पर अब मैं यहाँ ऐड करना शुरू कर दूंगी एग्स। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारे एग डाल दिए हैं और अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। आप एग्स की क्वांटिटी जो है कम या ज्यादा रख सकते हैं। तो इस तरीके से अब आप मीडियम फ्लेम पर लगातार सब्जी को चलाते रहें। जैसे ही आप अंडे फोड़ने शुरू करेंगे, ये चिपकना शुरू हो जाते हैं, तो आपको लगातार जो है मसाले में अंडों को मिलाते जाना है। आप स्टर करते रहें, फ्लेम को मीडियम पे ही सेट रखें। ये देखिए किस तरीके से अंडा जो है वो चिपकता जाता है। अगर आप 2 मिनट के लिए भी करछी चलाना छोड़ेंगे तो वो नीचे ऐसे चिपकना शुरू हो जाता है। तो आप लगातार इसको हटाते रहें, साइड से भी और तले में से भी, क्योंकि भुर्जी बनने के लिए जितना भी हमने अंडा लिया है वो सब अभी सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा पकते पकते। तो आपको अंडा जो है हटाते रहना है, किनारियों पे से भी और बेस पर से भी। जब तक अंडे में आपको पानी दिख रहा है, तब तक आप इसे चलाते रहें। उस पानी को सारा आपने सोक कराना है, इवेपोरेट कराना है। तो इस तरीके से देखिए आपको सारा पानी जो है इसका सोक कराना है। अच्छे से अंडा जो है भुर्जी की फॉर्म में चेंज हो चुका है, मसाले में मिल चुका है। और अब इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर इसे गार्निश कर दूंगी कटे हुए धनिए से। और अब हम इसे यहाँ अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया है और अब इसे आप चाहें तो गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं ब्रेड के साथ, चपाती के साथ, इवन चावलों के साथ भी खाई जाती है, और सच बताएं तो बाउल भर के ऐसे ही खाई जाती है। तो चलिए इसे सर्व करने पर ले चलते हैं। देखिए कितनी लाजवाब लग रही है,
लग रही है ना बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। तो अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छी और डिलीशियस लगी है देखने में, जो कि खाने में भी बहुत है यकीनन, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर से शेयर कीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सलामत रहें, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू।